पालघर जिले में वसई और भाईंदर के बीच पहली रोरो फेरी सेवा यात्रियों और वाहनों के लिए पायलट आधार पर शुरू हो गई है। यह सेवा 1.89 नॉटिकल मील या 3.50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस जलमार्ग सेवा से दोनों शहरों में पर्यटन का बढ़ावा मिलने और वसई भाईंदर क्षेत्र के मोटर चालकों के लगभग 50 मिनट बचने की उम्मीद है। हालांकि नियमित रूप से ऑफिस जाने वालों को भीड़भाड़ वाली ट्रेनों और भीड़भाड़ वाली सड़कों से ज्यादा राहत नहीं मिल सकती है। महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड ने वसई जेट्टी और भाईंदर जेट्टी के बीच ट्रायल रन आयोजित किए। 3.50 किलोमीटर की जल यात्रा में एक तरफ लगभग 15 मिनट लगते हैं और इसमें 4 किलोमीटर की सड़क भी शामिल है। सुवर्ण दुर्ग शिपिंग एंड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जानवी नामक पोत का संचालन कर रही है, जो एक ही यात्रा में कुल 100 यात्रियों और 33 वाहनों को ले जा सकता है। अगले 3 महीनों में वसई और भाईंदर से 8-10 यात्राएं होंगी। प्रत्येक यात्रा के बीच लगभग 90 मिनट का अंतर होगा। इन सेवाओं के लिए समय सारणी बुधवार से शुरू होगी। MMB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानिक गुरसल ने कहा कि वर्तमान में पोत के उचित नौकायन मार्ग की जांच की जा रही है। औपचारिक उद्घाटन से पहले लगभग 3 महीने तक फेरी की सुचारू नौकायन और यात्रियों और वाहनों के आसान चढ़ाई की भी जांच की जाएगी। फेरी सेवा का उद्घाटन ठाणे से शिवसेना सांसद राजन विचारे ने किया। अरब सागर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए वाहन उपयोगकर्ता और आम जनता दोनों जेट्टियों पर एकत्रित हुए। वसई से पहली सेवा सुबह 7:45 शुरू हुई, जबकि भाईंदर से पहली सेवा सुबह 7:30 रवाना होती है। फेरी छूटने पर उन लोगों के लिए जेट्टियों पर प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। धन की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और ये जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार मोदी सरकार के सागरमाला के अंतर्गत हुआ है, इसका हमें बहुत ही गहरी से हमको बहुत आनंद हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कार्य कर रही है, 9 साल में बहुत विकास हुआ और इस विकास का एक उदाहरण है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।